फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि रेसिपी। आज हम लौकी की खीर बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने आज खास इसलिए बनाया है इसको, आज जन्माष्टमी है इसलिए खासकर जन्माष्टमी के लिए बनाया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको, कि क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें बनाने के लिए। दोस्तों, लौकी की खीर बनाएंगे हम। आइए सबसे पहले हम इस लौकी को छील के इसका ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमें कैसे बनाना है और क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। मैंने लौकी कद्दूकस कर ली है, अब हम आइए बनाना शुरू करते हैं। हम इसको भूनने के लिए घी लेंगे, पतंजलि का घी लिया है मैंने। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी को डाल के भुनेंगे। ये हमने लौकी को भुनना शुरू कर दिया है, अब हम इसका जो रस है लौकी का, इसके सूखने तक हम इसको भुनेंगे। इसका जो रो स्मेल है, कच्चा वाला स्मेल, वो चला जाना चाहिए। तो चलाते रहेंगे हम, भूनते रहेंगे, कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें बाकी का सामान ऐड करेंगे। हमारा लौकी का जो रॉ स्मेल है वो चला गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। ये मैंने दूध ऐड कर लिया है, 1.5 लीटर दूध डाला है मैंने इसमें। इसको हम पकने देते हैं, हाई फ्लेम में रखेंगे हम इसको पकने देंगे। हाँ, अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची, ये कुटी हुई इलायची है, इसको मैं डालूंगी अभी। तेज़पत्ता भी डालूंगी, तेज़पत्ता मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप कितना मीठा खाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते तो कम डालिए। हमने चीनी भी ऐड कर ली है, अब मैं इसमें ये भिगाया हुआ साबूदाना मैं ऐड करने जा रही हूँ। इसके साथ ही ये पकेगा। हम इसका क्वांटिटी कम होने तक इसको पकाएंगे और इसको हम लास्ट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट और कैसियो मैंने रोस्टेड कर लिया है, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसमें इसको थोड़ा ठीक बनाने के लिए ये हमने मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे का, इसको मैं ऐड कर दूंगी। इसमें सारा ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए हमारा खीर ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं इसमें काली मिर्ची पाउडर डालूंगी। इसको 5 मिनट और पकने देते हैं हम। हमारा खीर बन गया है, अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा लौकी का खीर बन गया है, अब हम इसमें तुलसी के पत्ते के साथ गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, तो अब इसको हम भोग लगाएंगे।
आज जन्माष्टमी है इसीलिए मैंने बनाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।